पता नहीं है हॉबीज क्या क्या है जी, हमें सेक्स बहुत पसंद है जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑफिशियल ट्रेलर पति पत्नी और वो का, और इसमें है कार्तिक आर्यन, भूमि और अनन्या पांडे। और मूवी का नाम ही ऐसा है, पति पत्नी और वो, और वो का मतलब तो तुम समझ ही जाते हो कि वो कौन हो सकती है। तो देखते हैं इसका ट्रेलर। दसवीं से पहले पिताजी कहते हैं, चिंटू त्यागी टेंथ सही से पास कर लो, फिर आराम ही आराम। इसी प्रॉमिस पे हमसे पहले इंजीनियरिंग, फिर नौकरी, फिर हाँ तो शादी भी करवा लिए। या तो ये साला आराम ही आराम हमारी किस्मत में नहीं लिखा, या अपने पिता के हाथों चूतिया बने हो। हॉबीज क्या क्या है जी, हमें सेक्स बहुत पसंद है जी। जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना। कौन कपोल कल्पना? फैंटेसी बे। कपोल कल्पना नाम बड़ा दे दिया वो वाली। शर्मा सर को देख रहा हूं, और जाते हो चाय भी बोल देना। अरे खुशबू कहां से आ रही है बे? तपस्या से। आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊं? जी अभिनव त्यागी। काम और क्या, सेक्स मांगने तो हम भिखारी, बीवी को सेक्स ना दे तो हम अत्याचारी, और किसी तरह जुगाड़ लगा के उससे सेक्स हासिल कर लेना तो बलात्कारी भी हमें। अपनी खुशी अपने हाथ में होती है रिजवी, वो तो शादी से पहले होती है ना। आई राम अच्छा मैं क्या। तुम ठीक हो ना? लग गई हमारी पत्नी का वो चल रहा है जिसके चलने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सारे साथी हमारी पत्नी का चक्कर चल रहा है। व्हाट अफेयर? अपने दीवाने का, अपने दीवाने का करके बुरा अच्छे दिनों का इंतजार मोदी जी। खिलाइए भाभी, ये इंसान काम को ना तपस्या मानता है। यहूदी आवाज निकाल रहे हो यार? अबे गिर गए हम। बेशक गिर गए हो तुम। हमारे पति को यहाँ पहले देखे हो क्या? पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी नहीं भागवा दो यार, हम प्यार करते उससे। अरे श्योर? भाई साहब एक एक लास्ट टाइम तो भाई बहुत तगड़ा था भाई। तो ये था भाई ट्रेलर भाई, पत्नी और वो। और वो तो समझ ही गए। तो अब वो ही थी भाई। तो एक और कॉमेडी मूवी आ रही है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी, जिस हिसाब से इसके एक एक लाइन एक एक पंच ऐसे ऐसे हैं कि भाई वो तो मेरे को शुरुआत वाली सबसे अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे पंच आए उन्होंने ट्रेलर में डाले हुए हैं। तो ना कि साला दसवीं पास कर लो सब आराम। अरे ये हकीकत है, हर किसी के घर में यही होता है। बच्चों को ये बोला जाता है बेटा दसवीं और बारहवीं पढ़ लो अच्छे से, फिर तो कॉलेज में ऐसे ही आता है, फिर कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर कहीं होता है कॉलेज में पढ़ लो फिर अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर ऐसे ही आता है, ठीक है। फिर जॉब लग जाती है, फिर शादी कर देते हैं घर के, और शादी करने के बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो उसके साथ ये वही है, नहीं वो बहुत प्यार से नहीं बोलता, या तो साला हम अपने बाप के हाथ ही चूतिया बने, या तो फिर कट गया तगड़ा वाला उसका। और उसके बाद उसने तगड़ा पंच नहीं मारा, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या है? मुझे सेक्स करना तो लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ और बताइए। अबे खुशबू कहाँ से आ रही है बे? बहुत ही बढ़िया तपस्या भाई, तपस्या से आ रही है, नाम ही बहुत अच्छा रखा है, काम को तपस्या मानता है भाई। एक एक पंच आते आते हैं तगड़े तगड़े की, और भाई एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। बहुत अच्छी एक्टिंग करी, जो एक्सप्रेशन दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। और उसके हिसाब से तुम उस जो लास्ट सीन भी देखा, कहता है मेरी बीवी भाग गई है। अच्छा मेरी भगवा दो, मेरी भगवा दो भाई, समझते क्या लोग अपनी बीवी को यार, भगवा दो।
मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ सच में. आर यू श्योर भाई? वो उसका एक्सप्रेशन कितना तगड़ा है ना कि आर यू श्योर. अरे यार सीधी सी बात है भाई, करता होगा प्यार. बोल रहे सच में करता है क्या भाई? और भाई ऑफिशियल में तो भाई ऑब्वियसली बात है, चक्कर चलते ही चलते हैं, तो उसी के हिसाब से ये चक्कर भी चला. वही स्टोरी लेके आए हैं, मतलब ऑफिस का जो चलता है एक एक कहते हैं समाज से जुड़ी हुई जो एक ऑफिशियल लाइफ है उससे जुड़ी हुई चीजें, और एक इंसान की ये दिखाई गई है कि इंसान की रियलिटी में लाइफ में होता क्या है. कि जब वो एक अच्छी जिंदगी सोचता है ना, जब वो शुरू करता है तो सोचता है कि हाँ मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगा ऐसे जीऊंगा, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है एक्चुअलिटी में, कि उसे क्या चीज़ चाहिए होती है क्या चीज़ नहीं चाहिए होती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी एक ह्यूमन लाइफ दिखाई है कि जॉब वाले बंदे की, कि कैसे उसकी शुरुआत होती है लाइफ की और एंड में वो कहाँ पहुँच जाता है और क्या सिचुएशन आ जाती है. वो वाला सीन बेचारा होटल में लेके जाता है लंच के लिए, तो वहाँ पहुंचती है, मेरे पति को तुमने पहले भी देखा है यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था कि भाई बताइए. और जो फ्रेंड है इसका, उसका भी रोल सही है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स मारे भाई वो कहता है अरे हम गिर गए हैं. अच्छा हाँ, तो और कितना गिरोगे? बेशक बेशक तुम गिर गए. तो ओवरऑल ये कॉमेडी मूवी है, और गाने यार वही पुराने गाने उठाए हैं थोड़े से इन्होंने, फिर से वही थोड़ा सा रिमिक्स करके अखियां से गोली मारे लड़की का माल किए, तो यानी पुराने गानों को थोड़ा धीमे जो सॉन्ग है धीमे धीमे वाला भी सॉन्ग भी इन्होंने वही रिपीट किया है. तो घूम फिर के ये मान लो कि गाने कुछ नए तो दिखे नहीं है, लेकिन जो पुराने गाने हैं उसको बहुत अच्छी तरह से रिमिक्स करके और बहुत अच्छी सिचुएशन पे डाला गया है उसको. और जो इनके भाई हैं हमारे, उनका रोल भी अच्छा है, जो हमारे बाला में अपने हीरो क्या नाम है उनका, आयुष्मान खुराना उनका ब्रदर है जो हाँ, उनका फ्रेंड है ना, तो वो भी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं. और मतलब इसमें पता लग रहा है उनका, मतलब जो भी उन्होंने हिंदी के वर्ड बोले हैं, मतलब फैंटेसी को ढूंढ के लाया ना, कि कोई सोच नहीं सकता ऐसे वर्ड को. तो ऐसे ऐसे डायलॉग है, मतलब आप तो ट्रेलर से मतलब पूरा लग रहा पता मूवी का क्या, मूवी की स्टोरी है. बाकी 6 दिसंबर को मूवी रिलीज होने वाली है, और दिसंबर लगता है ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड के मौसम में ऐसी कॉमेडी वाली मूवी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है बाकी देखने जरूर जाना इस मूवी को. तो ये था ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर पति पत्नी और वो का. आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज हैं वो भी आप ज़रूर देखें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिएक्शन के लिए. बाय बाय.